हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एग्जांपल्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 10.1 से। एग्जांपल 10.1 देखो, द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया supports the upper part of human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Okay, तो यहाँ पे प्रेशर एवरेज आपको चाहिए, इक्वल टू क्या करोगे, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब एक थाई बोन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, एक थाई बोन के ऊपर फोर्स लगेगा एम जी डिवाइड बाई टू, क्योंकि दो यहाँ पे थाई बोन्स हैं और जो 40 किलोग्राम को उठाने में हेल्प करते हैं, तो दोनों को 20-20 किलोग्राम उठाना है। ओके, एरिया आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बस इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एम की वैल्यू क्या रहेगी, 20। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 10 और डिवाइड बाई 2 तो है ही, और एरिया रहेगा 10^-3, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 110^5 पास्कल, ठीक है। आंसर रहेगा 10^5 पास्कल। ओके, सॉरी, एम की वैल्यू है 40। तो ये बनेगा 2×10^5 पास्कल, 2×10^5 पास्कल। चलो यहाँ तक समझ में आया। अभी देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। चलो, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस रो जी एच। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है 1.01×10^5 पास्कल, प्लस रो की वैल्यू, मतलब वाटर के लिए रो कितना होगा 1000, जी की वैल्यू ले लो 10 और हाइट आपको दिया हुआ है 10, तो ये भी हो गया 10^5। तो 2.01×10^5 पास्कल आंसर आएगा। एग्जांपल देखते हैं 10.3, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज। चलो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विथ एल्टीट्यूड, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। तो हमें पता है प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर का, और उस हिसाब से आप रो जी एच ले लो और आपको हाइट निकालनी है। अब प्रेशर है 1.01×10^5 पास्कल, तो 1.01×10^5 डेंसिटी आपको दी हुई है 1.29, जी की वैल्यू 9.8 और एच निकालना है। चलो एच यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो आते हैं एग्जांपल 10.4 पे। Example 10.4, at a depth of 1000 meter in ocean, what is the absolute pressure? देखो, ए पोजिशन पे आपको चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर, बी में क्या कहिए चाहिए आपको, what is the gauge pressure, मतलब यहाँ पे आपको प्रेशर चाहिए, बी में आपको बोला गया है पी माइनस पी ए, और सी में बोला गया फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया दिस ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ। ओके, तो सी में आपको फाइंड करना है फोर्स। ओके, द डेंसिटी ऑफ वाटर, सी वाटर इज 1.03×10^3 और जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है। एकदम इजी हो गया ये क्वेश्चन। करना क्या है,
फर्स्ट यहाँ पे पी इक्वल टू निकालने के लिए क्या करोगे, पी ए प्लस रो जी एच, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बस इसमें वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। गैस प्रेशर के लिए क्या करना है, तो गैस प्रेशर के लिए पी माइनस पी ए, पी ए निकाल दो तो क्या बचा, रो जी एच, बस इसमें वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आपको जो मिलेगा वो कौन सा प्रेशर है, गैस प्रेशर। तो फोर्स इक्वल टू क्या करना है, तो फोर्स इक्वल टू जो भी आपको गैस प्रेशर मिला है, ठीक है, इनटू क्या कर दोगे, एरिया। अब गैस प्रेशर इनटू एरिया क्यों किया गया, तो देखो ये सबमरीन है सपोज, और ये विंडो है, यहां तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक रो जी एच, एच हाइट के फ्लूइड का प्रेशर है, और नीचे से ऊपर की ओर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए, क्योंकि अंदर भी हवा थी ना सबमरीन के, तो सिर्फ कौन सा प्रेशर फोर्स लगा सकेगा, रो जी एच वाला। रो जी एच मतलब कौन सा प्रेशर है, गैस प्रेशर, इसीलिए हमने किया गैस प्रेशर इनटू एरिया। चलो ये हो गया, अभी देखते हैं एग्जांपल 10.5। टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस फिल्ड विथ वाटर आर कनेक्टेड विथ अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, ओके। डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर, चलो A1 A2 लिख लेते हैं, डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर के लिए लिखना पड़ेगा D1 D2। चलो डायामीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन 1 सेंटीमीटर और जो लार्जर पिस्टन है उसके लिए 3 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, मतलब F1 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, F2 निकालना है, ओके। इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपने दिया स्मॉलर पिस्टन को 6 सेंटीमीटर का, तो लार्जर पिस्टन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना क्रिएट होगा। देखो ये भी एक एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, तो ए का सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्या करोगे, सिंपल सी बात है, F1 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है F2 बाई A2, प्रेशर सेम रहेगा, और प्रेशर सेम क्यों रहेगा, तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट एरिया दिया हुआ है, एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, दूसरे ऊपर के कितना लगेगा, तो एज़ पर पास्कल्स लॉ जो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो हर एक पॉइंट पर सेम क्रिएट होगा। तो चलो F2 निकालना है, तो F2 के लिए A2 बाई A1 इंटू F1, A2 क्या बनेगा, पाई इंटू D2 बाई D, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो D2 बाई 2 होल स्क्वायर होगा, नीचे यहाँ पे पाई D1 बाई 2 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, और इंटू ये F1। चलो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, पाई पाई कैंसिल, डिवाइड बाई टू कैंसिल, और जो बाकी बचा उसमें वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो बी में क्या करना है, तो बी के लिए आपको पूछा गया है कि यहाँ पे X1 डिस्प्लेसमेंट अगर इतना है, तो ऑपोजिट साइड जो लार्जर पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, तो वो भी एकदम ईजी, क्योंकि वॉल्यूम एट साइड वन इक्वल टू वॉल्यूम एट साइड टू होगा। वॉल्यूम अगर इतना डिस्प्लेस हुआ है इस तरफ, तो उस तरफ भी वॉल्यूम सेम डिस्प्लेस होगा, तो एरिया A1 इंटू X1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, A2 इंटू X2। आपको X2 निकालना है, तो A1 बाई A2 इंटू क्या करना पड़ेगा, X1। अब A1 A2 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्या करोगे आप, पाई D1 बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई D2 बाई 2 होल स्क्वायर,
और इनटू एक्स वन, बस ये पाई पाई कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसकी वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.6। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर सॉरी अ फोर्स ऑफ एफ वन ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम, कैलकुलेट एफ वन। वॉट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो ये भी देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, जितने जितनी चीज़ें आपको दी हुई है वो लिख लो। सबसे पहले F1, वो तो आपको निकालना है। ओके, स्मॉलर पिस्टन की रेडियस क्या है, तो R1 आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लार्जर पिस्टन की रेडियस क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। F2 आपको इनडायरेक्टली दिया है, जो कार को उठाना है उसका मास है 1350 किलोग्राम, तो F2 की जगह पे क्या आएगा, mg, और मास आपको दिया हुआ है 1350, और g की वैल्यू लेनी है 9.8। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मास लिख देता हूँ 1350 किलोग्राम। ओके, तो आपको निकालना है F1। ठीक है, अब एकदम इजी है, यहाँ पे करोगे क्या आप, F1 by A1 equal to F2 by A2, प्रेशर सेम रहेगा, तो मुझे निकालना है F1, तो A1 by A2 into क्या करूँगा, F2, A1 की जगह पे पाई R1 square, A2 की जगह पे पाई R2 square, और F2 की जगह पे mg, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, और वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। R1 है आपके पास, R2 है आपके पास, M है और G है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रेशर क्या रहेगा, तो प्रेशर के लिए या तो आप F1 by A1 कर दो या तो F2 by A2 कर दो, और इसमें वैल्यू रख दो, F1 आपको यहाँ पे मिलेगा और A1 की जगह पे क्या करना है, पाई R1 square, और R आपके पास है। चलो, ये एग्जाम्पल 10.6 समझ में आया। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 10.7, ब्लड वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा है द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर। द वाइड पार्ट ऑफ द मीटर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू आर्टरी, ओके, इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी, कितना है, 8 mm square। द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया 4 mm square। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 pascal। वॉट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। चलो, स्पीड क्या होगा, तो एकदम ईजी है, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला था अंडर रूट 2 rho mgh डिवाइड बाय रो। देखो, यहाँ पे हमने डिराइव किया था वेंचुरी मीटर जब हमने पढ़ा था तब, ये रहा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सीधा कॉपी कर लेते हैं। बस अभी तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालनी है, ये फॉर्मूला में वैल्यू रखो, क्या क्या दिया हुआ है समझो, आपको ये कैपिटल ए दिया है, स्मॉल ए दिया है, और ये जो पूरा है ना वो रो एम जी एच है। ओके, तो ये रो एम जी एच भी आपको दिया हुआ है, तो चलो वैल्यू डाल देते हैं, अंडर रूट 2 rho mgh मतलब 24 इंटू स्मॉलर एरिया का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर नीचे 8 square minus 4 square, चलो 4 square डिवाइड बाई 8 square minus 4 square, और नीचे रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे ब्लड की डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी 1060, और ये कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा
अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 0.125 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10.8। अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट ऑफ मास, चलो मास आपको दिया हुआ है, इट्स टोटल विंग एरिया भी दिया हुआ है, इट इज इन लेवल फ्लाइट विथ अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स। ओके, बर्नौली प्रिंसिपल से ये हो जाएगा, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू लोअर सरफेस, और डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। अब फोर्स क्या रहेगा, एम जी डिवाइड बाई एरिया। ओके, एम आपको क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 टू पावर 5। ओके, तो ये हो गया 3.3 इंटू 10 टू पावर 5, जी की वैल्यू 9.8 और एरिया है 500, तो ये मिलेगा 6.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, ये डेल्टा पी मिल गया। अभी बी के लिए बोला है आपको वेलोसिटी, बी के लिए आपको बोला गया है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो एज पर बर्नौली प्रिंसिपल आप लिख सकते हो पी वन प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। देखो यहाँ पे लेवल हाइट पे कहा गया है, देखो आपको यहाँ पे इट इज इन लेवल फ्लाइट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइट सेम है, ये कैंसल आउट हो गया। P1 माइनस P2 जस्ट अभी हमने निकाला था, तो वो हो गया डेल्टा P, P1 माइनस P2 इक्वल टू डेल्टा P हो गया। और यहाँ पे हाफ रो कॉमन निकलेगा और अंदर कर दोगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये हो गया डेल्टा पी जो अभी हमने निकाला था हाफ रो, चलो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी टू माइनस वी वन एंड वी टू प्लस वी वन। ओके, तो फिर ये जो रो है वो डेल्टा पी के नीचे जाने देते हैं, ठीक है, तो डेल्टा पी डिवाइड बाई रो इक्वल टू ये क्या बनेगा सोचो, तो ये v2 माइनस v1, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और ये v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2 जो हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू v एवरेज। ठीक है, अब देखो सभी वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा p जस्ट अभी निकला था 6.5 इंटू 10 टू पावर 3, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.2 और इक्वल टू v2 माइनस v1 जो हमें निकालना है, और ये जो v एवरेज हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे है 960 किलोमीटर पर आर, तो v एवरेज 960 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दे तो ये मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये मिलेगा 267 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दो 267। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे आपको v2 माइनस v1 मिल जाएगा। हमें पूछा था फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा v by v एवरेज, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो डेल्टा v और v एवरेज की, v एवरेज मतलब 267 और डेल्टा v जो यहाँ पे मिला
जो यहाँ पे मिला वो इधर रख दो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.9। 10.9 में देखो, अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.1 मीटर इज कनेक्टेड टू दिस मास वाया अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर एंड पुली, ओके, एज शोन इन फिगर। अब डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना। ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक मास है, और जो मास है 0.01 किलोग्राम। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, ऊपर की ओर टेंशन क्रिएट होगा, और वही टेंशन यहाँ पे जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे नीचे क्या है लिक्विड, तो वो लिक्विड की आपको थिकनेस दी हुई है, तो छोटी सी फिल्म है लिक्विड की, ठीक है। उसके लिए ये फोर्स हो गया टेंजेंशियल फोर्स, ओके। अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल। व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड 0.085। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एकदम इजी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए क्या करना होता है, फोर्स अपॉन एरिया और डिवाइड बाय वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स कौन सा रहेगा, टेंशन, और टेंशन कौन सा रहेगा mg। तो mg इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मास आपको क्या दिया हुआ है, तो मास लेना है इसका 0.01। चलो g की वैल्यू 9.8, लेंथ, ये L क्या था, लेंथ मतलब ये थिकनेस, यहाँ पे जो थिकनेस है वही लेंथ है, और वो थिकनेस आपको कितनी दी हुई है 0.3 mm, मतलब 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 10⁻⁴। चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको दिया हुआ था 0.1, क्रॉस सेक्शनल नहीं बट ये मेटल ब्लॉक का एरिया नीचे का, और वेलोसिटी आपको दी हुई है कॉन्स्टेंट कितनी थी 0.085। बस ये सब वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा 3.45 × 10⁻³ पास्कल, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे भी देखो एकदम इजी न्यूमेरिकल है। 10.10, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस दिस फॉलिंग थ्रू दिस इज गिवन, ओके, कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। चलो यहाँ पे भी विस्कोसिटी निकालना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वेयर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। ये डेंसिटी ऑफ कॉपर आएगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल आएगा, ठीक है। आपको रेडियस दिया हुआ है, देखो तो रेडियस है आपके पास और वेलोसिटी भी है और ईटा निकालना है। चलो तो ये इतना आपको, ये जो है वो क्वेश्चन मार्क है वो निकाल सकते हो अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.12। ओके 10.12 देखो, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायामीटर 2 mm इज डिप्ड 8 cm बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर, ओके। उसके बाद वॉट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट द एंड ऑफ वॉटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द वॉटर एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 7.30 × 10⁻²⁰ N/m। ओके द सरफेस टेंशन ऑफ दी वाटर एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट कहा है, ठीक है। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए आपको दिया गया है, डेंसिटी है और जी की वैल्यू भी है, ठीक है। आपको पूछा क्या है वो समझो, कि वॉट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो एक इतना एक कंटेनर ले लो, और कंटेनर के अंदर आप सोचो कि हमने ट्यूब को ऐसे लगाया हुआ है,
ये ट्यूब है, ठीक है। अब यहां तक सपोज वाटर है, तो जो बबल बनने वाला है, जो यहां पे बबल क्रिएट होने वाला है, उसके लिए आउटसाइड प्रेशर कितना हुआ? तो आउटसाइड प्रेशर हुआ ये पीए और इतना रो जी एच, ये हो गया आउटसाइड प्रेशर। अब सिंपल है, आपको करना क्या है, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, या तो पी इनसाइड कितना चाहिए, तो पी आउटसाइड प्लस 2s बाय आर। दो फ्री सरफेस नहीं है यहाँ पे, देखो ये बबल है फिर भी एक ही फ्री सरफेस है, क्योंकि अंदर ही एयर है बाहर लिक्विड है। और पी ओ इक्वल टू क्या बनेगा, पी ए प्लस रो जी एच और 2s बाय आर, ठीक है। देखो सारी चीज़ें आपके पास है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, हाइट दी हुई है, सरफेस टेंशन भी है, और रेडियस ऑफ पाइप भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू डालनी है और आपको मतलब कैलकुलेशन कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे फिनिश हुए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये क्वेश्चंस, और एक आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन 11 एंड 12 एंड 18, ये सारे क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस है, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी थियरी के टाइम पे हो चुका है। और अगर कोई क्वेश्चन का डिस्कशन बाकी है या आपको लॉजिकली वो समझ में नहीं आता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इतने क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और इस इनमें भी अगर कहीं पे डाउट आपको लगे तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आ जाए, नेक्स्ट वीडियो आ जाए, तब इतने क्वेश्चंस करके रखो आप तैयार, ओके। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।